नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम जो है टॉप 3 गेहूं की वैरायटी जो है लगाकर जो है अपने खेत से जो है प्रति हेक्टेयर जो है 70 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन ले सकते हैं। अगर आप लोग भी अपने खेत से जो 70 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आप उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3 ऐसी टॉप वेराइटी गेहूँ की जिससे जो है हम 70 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हम सबसे ऊपर जो है जो इस गेहूं की वैरायटी को रखते हैं उसका नाम है पूसा तेजस 8759। यह गेहूं वर्ष 2019 में जो है विकसित की गई एक वैरायटी है और पूसा तेजस का उत्पादन जो है अगर हम देखें तो यह 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक निकाला जा चुका है। किसानों की जो है इस वर्ष जो है यह सबसे ज़्यादा इस वैरायटी के लिए सबसे ज़्यादा रुचि जो है देखने को मिल रही है क्योंकि इसकी जो है पैदावार काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी मोटा दाना जो है इसका बनता है। गेहूं की यह किस्म जो है करीब 110 से 115 दिन में पककर जो है तैयार हो जाती है और यह कम पानी में भी पककर तैयार हो जाती है। सबसे ख़ास बात इसकी यही है कि यह बहुत कम पानी में भी पककर जो है तैयार हो जाती है और काफ़ी जो है लगभग समय भी इसका जो है 110 से 115 दिन ही लगते हैं। अब हम जो है दूसरी वेराइटी जो है जिसकी हम बात करने वाले हैं उस वेराइटी का नाम है GW322। यह वेराइटी भी काफ़ी बढ़िया वेराइटी है। यह मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक उगाई जाने वाली वेराइटी है जो 115 से 120 दिन में पककर जो है तैयार हो जाती है। और गेहूँ GW322 की पैदावार अगर हम देखें तो यह 60 से 62 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है। यह भारत के सभी राज्यों में जो है खेती इस गेहूं की जो आप कर सकते हैं, जिस भी राज्य में आप गेहूं उगाते हैं उस राज्य में GW322 गेहूं को आप उगा सकते हैं। यह वेराइटी भी 3 से 4 पानी में ही पककर तैयार हो जाती है। आखिरी वेराइटी जो है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं यह वेराइटी है GW273। यह गेहूँ की वेराइटी लगभग 115 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह गेहूं की वैरायटी भी काफ़ी बढ़िया और शानदार वैरायटी है। इसकी अगर हम पैदावार की बात करें, GW273 गेहूं की पैदावार की बात करें तो 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक निकाली जा सकती है। यह वैरायटी भी 3 से 4 पानी में जो है पककर तैयार हो जाती है। हमने जो दोस्तों आज ये तीनों वैरायटी जो दिखाई है इन तीनों में सबसे ख़ास बात यह है कि अगर आपके पास पानी की मात्रा कम है या पानी की समस्या है तो भी आप इससे जो है काफ़ी अच्छा उत्पादन जो है ले सकते हैं। और सभी फसल जो है ये तीनों वैरायटी 110 से लगभग 120 से 130 दिन के अंतराल की ही है में अच्छे से और पककर तैयार हो जाएगी। अगर आप इसकी बुआई जो है 10 नवंबर या फिर 15 नवंबर से पहले पहले अगर इसकी बुआई करते हैं तो आप इसका जो है रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन जो है ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।